ऑटो ट्रेडिंग सीरीज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे ऑर्डर टाइप सिलेक्शन, ऑर्डर क्वांटिटी सिलेक्शन और किस स्टॉक पर ट्रेड लेना है और किस में नहीं लेना है, वो सब चीजें कैसे सेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो अगर आपने ये सॉफ्टवेयर अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है, इसका मतलब अभी तक आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है जहाँ पे हमने बात की थी कि आप ये सॉफ्टवेयर को कैसे एकदम फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। मैं उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अब इस पूरी सीरीज में हम बात कर रहे हैं कि हम ट्रेडिंग व्यू चार्ट्स को यूज करके अपनी ट्रेडिंग को कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे हम ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि हम ये डिफाइन करें कि हम कौन कौन से स्टॉक में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जो हम ऑर्डर सेंड करना चाहते हैं क्या वो इंट्राडे होंगे या क्या वो लॉन्ग टर्म होंगे, और उन ऑर्डर की क्वांटिटी क्या होगी। और यहाँ पे हम उन्हीं सब चीजों की बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम सबसे बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, जहाँ पे हम बोल रहे हैं कि हम सिर्फ निफ्टी 50 के स्टॉक में ही ट्रेडिंग करना चाहते हैं और जो हम ऑर्डर सेंड करेंगे वो सिर्फ इंट्राडे के लिए वैलिड हो। तो आप जब अपना एपीआई ब्रिज सबसे पहले ऑन करेंगे तो वो दिखने में ऐसा होगा। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले जो अभी स्टॉक्स एडेड हैं उन सबको रिमूव कर देना है, जिसके लिए आप ये क्रॉस बटन का यूज कर सकते हैं। और अब इसके बाद आपको एक्सचेंज सिंबल टैब में जाना है और यहाँ पे कोई भी निफ्टी 50 के स्टॉक का नाम टाइप करके उस पे क्लिक करके उसको ऐड कर देना है। बाकी सब चीजें यहाँ पे अपने आप प्रीफिल हो जाएगी। और अब इसके बाद आपको कंट्रोल और एस प्रेस करना है, जिसके बाद आपकी ये लिस्ट सेव हो जाएगी। आपको नीचे लॉग्स में इसका कंफर्मेशन भी मिल जाएगा। और अब इसके बाद आपको एक्सपोर्ट सिंबल पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे कोई भी फाइल का नाम डाल देना है, मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट लिस्ट लिख दिया है। और इसके बाद सेव पे क्लिक करना है। अब आप जब वो सेव्ड एक्सेल शीट को खोलेंगे तो वो दिखने में ऐसी होगी, और हम अपनी सारी सेटिंग्स यहीं पे करने वाले हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला कॉलम है इनपुट सिंबल नाम से। अब क्योंकि यहाँ पे हम निफ्टी 50 स्टॉक में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो हमें इस पूरे कॉलम के अंदर उन सब स्टॉक्स के नाम लिखने होंगे। निफ्टी 50 स्टॉक्स की लिस्ट डाउनलोड करने के लिए आपको ये वेबसाइट पे जाना है, जिसका लिंक मैं नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ये वेबसाइट पे जाने के बाद आपको इंडाइसेस पे जाना है और उसके बाद निफ्टी 50 पे क्लिक करना है। अब इस पेज पे नीचे स्क्रॉल करना है, जहाँ पे आपको इंडेक्स कंस्टिट्यूएंट का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पे क्लिक करना है। और इस पे क्लिक करने के बाद आपकी ऐसी एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी। आप जब इसको ओपन करेंगे तो ये दिखने में ऐसी होगी। आपको यहाँ पे थर्ड कॉलम के अंदर निफ्टी 50 के सभी स्टॉक्स के सिंबल मिल जाएंगे। आपको उनको सिलेक्ट करके कॉपी कर लेना है और उनको अपनी सेव्ड एक्सेल शीट के अंदर पहली रो के पहले कॉलम में पेस्ट कर देना है। यही सेम काम आपको दूसरे कॉलम में भी करना है। अब यहाँ पे आप वो सब स्टॉक्स के सिंबल ऐड कर चुके हैं जो स्टॉक्स में आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, यानी आपका ट्रेड सिर्फ तभी एग्जीक्यूट होगा अगर आपका ट्रेड इन स्टॉक में बनता है। तो आप इस वेबसाइट पे जाके यहाँ पे कोई और इंडेक्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल निफ्टी 200 के स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहते हैं तो आप यही सेम स्टेप उस लिस्ट के लिए कर सकते हैं। और इसके बाद काम बहुत आसान है। आपको जो भी सेकंड रो में लिखा हुआ दिख रहा है, आपको वो बाकी सब स्टॉक्स के सामने पेस्ट कर देना है। यही सेम काम आपको उस हर रो के लिए करना है जहाँ पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। जो मैंने लिखा हुआ है, क्या आपकी एक्सेल शीट में भी ऐसा ही सेम चीज है या उससे कुछ अलग है? अगर सब कुछ सेम है तो इसका मतलब आपने सब चीजें सही की है। और इसके बाद बस एक कॉलम रह गया क्वांटिटी का, जहाँ पे फिलहाल इन सब चीजों को सिंपल रखने के लिए मैंने हर स्टॉक के आगे 1 क्वांटिटी लिख दिया है। इसका मतलब जब भी कोई मेरा ट्रेड ट्रिगर होगा तो उस स्टॉक की 1 क्वांटिटी ही बाय या सेल होगी। आप चाहें तो हर स्टॉक के आगे अपनी कस्टम क्वांटिटी डाल सकते हैं अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। और ये सब चीजें करने के बाद आपको इस एक्सेल शीट को सेव कर देना है। और सेव करने के बाद आपको अपने सॉफ्टवेयर में जाना है और वहाँ पे इंपोर्ट सिंबल पे क्लिक करना है। अब वहाँ पे आपको उस एक्सेल शीट को सिलेक्ट करना है और फिर ओपन पे क्लिक करना है। और आप देख रहे हैं ये पूरी लिस्ट अपने आप प्रीफिल हो चुकी है आपकी एक्सेल शीट के अकॉर्डिंग। कहाँ पे आपको ये सब सेटिंग मैन्युअली करनी पड़ती, पर इस स्टेप से आपका वो काम बच गया। यहाँ पे हमने इस एग्जाम्पल में तो हर स्टॉक के अंदर 1 क्वांटिटी रखी है, पर ये इतना प्रैक्टिकल नहीं है। अब से आने वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे क्वांटिटी सिलेक्शन को अपने रिस्क के अकॉर्डिंग या अपनी कैपिटल के अकॉर्डिंग एकदम ऑटोमेट कर सकते हैं, और उससे आपका काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। और ये सब सिंबल्स इंपोर्ट करने के बाद आपको कंट्रोल और एस प्रेस करना है, जिसके बाद आपकी लिस्ट सेव हो जाएगी। अगर आपके साथ भी ऐसा हो
जहां पे आपकी एक्सेल शीट में तो ज्यादा स्टॉक थे बट जब आपने उनको इंपोर्ट किया तो कम ही स्टॉक इंपोर्ट हुए हैं। तो उसके लिए आपको एक छोटा सा स्टेप करना है, आपको टेम्पलेट ऑप्शन में जाके यहाँ पे एडवांस पे क्लिक करना है और उसके बाद यस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपकी एक ब्लैंक शीट ओपन हो जाएगी। अब आपको यहाँ पे इंपोर्ट सिंबल यूज करके दोबारा से वो एक्सेल शीट सिलेक्ट करनी है और फिर ओपन पे क्लिक करना है और इस बार आप नोट करेंगे कि आपके सारे स्टॉक्स इंपोर्ट हो जाएंगे, यहाँ पे आपको वो इश्यू नहीं आएगा। और इसी के साथ आप रेडी हैं एक स्टॉक को बाय और सेल करने के लिए। अब वो बाय और सेल कैसे करना है उसके बारे में हम बात करेंगे अब से अगली वीडियो में। तो अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप वो कर लीजिए ताकि जैसी ही हमारी अगली वीडियो आए आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अभी के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।